हल्द्वानी की सड़कों में यूं तो कई शराबी उत्पात करते नजर आते हैं। ये लोग लोगों की परेशानी बढ़ा देते हैं और आज तो हद तब हो गई जब देश की सेवा करने वाले जवान ही लोगों की मुसीबत का सबब बन गए। जी हाँ, इसका जीता जागता उदाहरण इस घटना में देख सकते हैं। दरअसल नैनीताल रोड पर रात हल्द्वानी से लेकर जूलीकोट तक एक थार सवार दो फौजी और उसके दोस्तों ने जमकर हंगामा काटा है। कालूसिद्ध तिराहे पर ये लोग अर्ध नग्न होकर मारपीट करते नजर आए। पुलिस पहुंची तो उन पर भी थार चढ़ाने की कोशिश करते हुए जूलीकोट भाग निकले। दरअसल आपको बता दें, ये पूरा मामला कुछ ऐसा है। पिथौरागढ़ निवासी एक फौजी ने हाल ही में खरीदी अपनी थार गाड़ी को नैनीताल हाईवे पर काल बनाकर दौड़ा दिया। इतना ही नहीं, शराब के नशे में धुत होकर फौजी और उसके दोस्तों ने कालूसिद्ध मंदिर के तिराहे पर काले रंग की ये गाड़ी रोककर करीब 15 मिनट तक आधे नंगे हालत में हंगामा काटा। आरोप है कि फौजी और उसके दोस्तों ने दबंगई दिखाते हुए एक ऑटो रिक्शा चालक से हाथापाई भी कर दी। इसके बाद तुरंत गाड़ी काठगोदाम की तरफ फुल स्पीड में दौड़ाई। जब सीसीटीवी कंट्रोल रूम के ड्यूटी स्टाफ ने फुटेज देखकर कोतवाली पुलिस को सूचना दी तो पुलिसकर्मी नैनीताल हाईवे पर पहुंचे। पुलिस को देखकर फौजी ने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। इस दौरान पुलिसकर्मी भी गाड़ी की चपेट में आने से बाल बाल बचे हैं। इसके बाद वायरलेस से मैसेज चला तो काफी देर तक इस गाड़ी को ट्रेस करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस के अनुसार तब तक फौजी की थार जूलीकोट पहुंच चुकी थी। आरोप यह है कि यहां पर भी नशे के हालत में एक रेस्टोरेंट संचालक से फौजी और उनके इन दोस्तों ने मारपीट की। इस झगड़े में थार गाड़ी के शीशे भी फूटे हैं और गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। और मारपीट करने के बाद आरोपी फौजी और उसका एक दोस्त गाड़ी छोड़कर वहां से भाग निकले, लेकिन उनके अन्य साथी गाड़ी को वापस हल्द्वानी लाते समय काठगोदाम चौकी पर पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिसके बाद जूलीकोट में मारपीट करने के आरोपी फौजी को नैनीताल की तल्ली थाना पुलिस ने पकड़ लिया। कोतवाल राजेश कुमार यादव ने बताया कि गाड़ी को सीज कर दिया गया है। कार सवार बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। सीओ नितिन लोहनी ने बताया कि प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है कि अंधाधुंध गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति पिथौरागढ़ निवासी है और सेना में कार्यरत है। गाड़ी में सेना से संबंधित कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। गाड़ी को सीज कर दिया गया है और बाकी आरोपियों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, ये हल्द्वानी शहर में कोई पहला मामला नहीं है जब किसी आर्मी वाले का नाम ऐसे सामने आया है। अभी 2-4 दिन पहले ही एक ऐसा ही और मामला सामने आया था जब नशे में धुत फौजियों ने इसी तरह एक कांड किया था। दरअसल हल्द्वानी में मंडी बाईपास स्थित एक रेस्टोरेंट में पार्किंग में कार खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। पीटने वाले 3 आरोपियों में से 2 सैन्यकर्मी थे जो छुट्टी पर घर आए हुए थे। हुआ कुछ यूं था। रामपुर रोड निवासी मुकेश गुप्ता ने बताया कि उनका बेटा कृष्णा 25 वर्ष अपने दोस्तों के साथ खाना खाने एक रेस्टोरेंट पर गया था, लेकिन उसके पैर में चोट के कारण वो ज्यादा चल नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने पार्किंग में खड़ी कार में ही अपना खाना मंगवा लिया। इतने में 3 लोगों ने आकर अभद्रता शुरू कर दी। पार्किंग को लेकर विरोध करने पर मारपीट करने लगे, जिससे कृष्णा का जबड़ा टूट गया। उसके दोस्त संकल्प और निशांत को भी गहरी चोट आई। कोतवाल राजेश यादव ने बताया कि नैनी विहार निवासी चंदन सिंह कोश्यारी, नवाबी रोड निवासी नीतीश रावत और बजवालपुर निवासी रंजीत सिंह कन्याल बालम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। आरोपितों में से सैन्यकर्मी चंदन सिंह देहरादून कैंट और नीतीश रावत हरियाणा के हिसार कैंट में कार्यरत थे। दोनों 20-20 दिन की छुट्टी पर घर आए थे। दोनों बॉक्सिंग खेलते थे। पुलिस ने बताया कि पता चला कि वो आए दिन इसी तरह झगड़ा करते हैं, तो अभी इस घटना को 2-4 दिन ही बीते थे कि आज फिर इस तरह का मामला सामने आ चुका है। आप क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज जंक्शन 24।